मेरा अभी मेडिकल है एसएससी जीडी का, लेकिन मेरा थोड़ा नाक टेढ़ा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम होगा क्या दी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेम कुमार। दोस्तों, जैसे कि आपका वीडियो देख के सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई का प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का नाम कहता है डिओटिक सेंटेंस, और हम इसे आम भाषा में कह सकते हैं बैंड नॉइस, यानी नाक का टेढ़ा होना। तो इसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आपको डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस में क्या होता है दोस्तों, डीएनएस जो अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके अंदर आपकी जो नाक की जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है। और इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि आपका जो नाक का हड्डी होता है वो टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो भाई का सवाल था, क्या इस प्रॉब्लम को होने के बाद हमारे डिफेंस पे अगर हम जाते हैं तो क्या हमें प्रॉब्लम हो सकता है, कि हमें मेडिकल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, कि हमें वो लोग पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि ये क्यों होता है और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी जाकर आपको एक अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार, वीडियो लाइक करने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम बात करते हैं कि मान लो आपको ये बैंड नॉइज का प्रॉब्लम हो गया, अगर नाक टेढ़ा है तो क्या इससे डिफेंस में प्रॉब्लम होता है या नहीं होता? तो बता दूं कि इससे जो है डिफेंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मेडिकल के अंदर जो है अनफिट भी कर दिया जा सकता है। तो पहली बात क्या होती है कि वो लोग क्यों अनफिट करते हैं, तो इसका कारण क्या होता है कि जिसका ये नाक टेढ़ा होता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि क्या होता है कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, दूसरी चीज क्या होता है कि उनके नाक से ब्लडिंग भी आ सकता है कभी कभी। क्या दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर आप आर्मी के अंदर जाते हो या फिर डिफेंस लाइन के अंदर जाते हो, तो क्या होता है कि अगर आपको किसी बर्फीले जगह पे भेज दिया जाता है जहां बर्फ ज्यादा होता है, ठंडा ज्यादा जगह होता है, वहां पर क्या होता है कि इन लोगों को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से जो सांस नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है डिफेंस के अंदर आर्मी के अंदर क्या होता है कि आप लोग को जो है अगर नाक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग अनफिट कर देते हैं। पता थी कि जो बैंड नॉइज है, जो आपके नाक का टेढ़ा होना है, वो किस किस कारण वजह से आपको हो सकता है? तो नंबर वन जो हो सकता है वो आपका आपका जेनेटिक हो सकता है, या फिर क्या है बचपन में जो होता है, बचपन से किसी को रहता है तो जाके आपका जो नाक का टेढ़ापन है वो हो सकता है। दूसरी चीज है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपको कभी बचपन में चोट वोट लग जाता है, तो अगर आपके नाक में चोट लग गया तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो नाक होता है वो किसी कारण से बैंड हो जाता है, या फिर टूट नाक की जो हड्डी होती है, ठीक है, वो कार्टिलेज जो होता है वो कार्टिलेज किसी प्रकार से टूट जाता है, ठीक है, उसकी वजह से आपके जो नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ा हो सकता है। और दोस्तों तीसरी बात हो सकती है क्या कि आपको किसी प्रकार का जो नाक में इंफेक्शन की वजह से जो होता है, हड्डी में बहुत तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको जो नाक का प्रॉब्लम है या फिर नाक की जो हड्डी होती है वो बैंड या टेढ़ी हो सकती है। दोस्तों अब बात आती है, अगर आपको बैंड नॉइज का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपके डेली लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या कि आपके जो नाक रहेगा वो एनी टाइम जाम हो सकता है, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर चीज दोस्तों जो हो सकता है वो क्या है कि आपको कभी कभी जो है नाक से ब्लड भी आ सकता है। अधिकतर लोगों का ऐसा होता है कि नाक से ब्लडिंग आ जाता है, या फिर कभी हल्का सा चोट लग जाने के बाद भी नाक से ब्लडिंग आ जाता है, और सांस लेने में जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम होता है, और हमेशा सर्दी रहती है, या फिर सर में जो हमेशा दर्द उनका हो सकता है, ये जो है आपका इसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। अब बात आती है कि दोस्तों इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला जो इलाज हम कर सकते हैं, इसका जो इलाज होता है वो होता है सर्जरी। नॉर्मली जो आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि सर्जरी जो उसका है मुफ्त इलाज आपको कराना पड़ता है। दूसरी जो चीज कर सकते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाकों के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपको कई हद तक जो आपको ठीक कर सकता है आपके नाकों को। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, सिंपली आपको जो घर में तेल मिलता है, ठीक है, कड़वा तेल जो होता है उसमें लहसुन मिला दीजिए। अब मिलाने में क्या करना, आपको अपने नाक में लगा के डेली जो इस तरीके से अपने हाथ को इस तरह पकड़ के और ऐसे मसाज करना है, ठीक है, इस तरीके से मसाज करना है ऐसे, और ये हाथ को इस तरह कर लेना है और इस तरह से मसाज करना है। इससे फिर भी एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है वो कुछ हद तक जो है सीधा होने लगता है। और बता दूं कि इसके इलाज के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, इसके लिए एक नॉइस कीपर आता है, आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। वो नॉइस कीपर को अगर इस्तेमाल आप डेली अगर 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं या फिर रात में लगाकर सोते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी जो नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है, ठीक है, वो कुछ हद तक जो है सीधी होने स्टार्ट हो जाती है।
अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके इसको जो है ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत से लोगों पे काम किया है, और इस नॉइज के बारे में बता दूं कि बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके नाक का जो बहुत लोगों का जो नाक होता है बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है, या उसका शेप गलत होता है, तो उसको क्या करता है, इस शेप को बनाने के लिए आपके नाक का जो डिजाइन को ठीक करने के लिए वो काफी मदद करता है, तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आपको इसका प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। लेकिन बता दूं अगर आप डिफेंस पे जाना चाहते हो, आपका सपना है डिफेंस में जाने का, तो आपको इसका जो है इलाज करवाना काफी जरूरी है। अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते हो तो आज ना कल जो आप कभी भी डिफेंस करना जाओगे तो आपको जो मेडिकल के अंदर आपको अनफिट कर ही दिया जाता है। खासकर अगर आप नेवी के अंदर जाते हो या एयरफोर्स के अंदर जाते हो तो इसमें जो है काफी ज्यादा ही अनफिट लोगों को किया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो कि अनफिट हो चुके हैं इस यही प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज करवा लो, नहीं तो काफी प्रॉब्लम आगे चल के आपको हो सकता है। और दोस्तों बहुत लोग सवाल आता है कि प्रेम भाई क्या हमको अगर नाक का टेढ़ा हमारा है या फिर हमारे आंख में प्रॉब्लम है या हमारे दांत में प्रॉब्लम है, क्या हम मेडिकल के अंदर फिट होंगे, क्या हमें वहां फिट करेगा या नहीं करेगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया है कि मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा लक साथ देता है, और क्या है कि अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम रहेगा तो आप सिंपल सी बात है कि आपको फिट तो नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी एंगल फॉलो फिट नहीं करने वाले। सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, जाने वक्त क्या हो आपको खरीदना है सेव, सेव का रेट कितना है 100 रुपया किलो, और आप गए सेव लेने के लिए कि भाई मुझे 1 किलो सेव दे दो। अब वहां पर क्या है कि वो लोग भी आपको फड़े हुए सेव दे रहे हैं, आप 100 रुपीज किलो का सेव ले रहे हैं, आपको फड़े हुए सेव दे रहे हैं, तो क्या वो आप सेव लोगे? सिंपल सी बात है कि आप नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हो उस चीज को, सेव को खरीदने के लिए पैसा पे कर रहे हो। उसी तरह डिफेंस में दोस्तों मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर आपका प्रॉब्लम है, आपका नाक टेढ़ा, आपका आंख में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिसका आंख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, तो वो लोग उसको ही लेंगे ना यार, आपको क्यों लेंगे? अगर आपको महीना का 50,000 वो लोग दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यार वो भी तो चाहेंगे ना कि मुझे अच्छा लोग मिले जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको लेने के बाद मुझे आगे चल के मेडिकल में पैसा खर्च ना करना पड़े। अब पता चला कि आप वहां मिशन में गए हो और आपको सांस नहीं मिल रहा है, तो पता चला बिना आप कुछ किए हुए मर गए, तो वो लोग तो आपको डिफॉल्ट चीजों को तो कोई लेना पसंद करता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है डिफेंस में तो खास करके नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारा कुछ जो होता है वो फिजिकल के माध्यम से ही होता है। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं होगा, आप मेंटली फिजिकली अच्छा नहीं रहेंगे, तो कभी भी फौज के अंदर आप नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी जो आपको मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि अपने प्रॉब्लम को जो है हमारे साथ शेयर करें, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना अपना वीडियो भेज सकते हैं। आपसे बता दूं कि वीडियो भेजना किसी प्रकार का हाय हेलो प्रेम भाई ऐसा मत करना, क्योंकि ये सब करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। वीडियो भेजोगे तो पूरी तरीके से मुझे प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे एक फायदा और भी होगा कि आपको भी जो हमारे YouTube वीडियो में आने का मौका मिल जाएगा और लोगों को है एक अच्छा नॉलेज मिलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम से लोगों के साथ होता है। तो अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के हेल्थ एंड फिटनेस और आर्मी से रिलेटेड वीडियो को लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।